हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से दिल्ली पुलिस के वैकेंसी के बारे में, जो कि 17 तारीख को दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, जिसका नोटिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाया था। और यहाँ पे आज है 19 तारीख, आज एक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेटों के लिए जो एक सर्विस मैन ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में या कोई भी फोर्सेस में आप जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी देखना चाहते हैं, जो आप फोर्स में नहीं है तब भी देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आगे चल के हो सकता है आपको ये काम दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला है कि करीगेंडम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस 2022। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं, नोटिस डाउनलोड हो चुका है करीगेंडम, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 2022 का, इसका जो स्टार्टिंग डेट 17/5/2022 से ऑनलाइन अप्लाई डेट है, जिसमें बताया गया है कि जो पैरा नंबर 7 है नोटिफिकेशन में, नोट 3 एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें पैरा नंबर 7 का बताया है, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत लोग नोटिफिकेशन को हिसाब से नहीं पढ़ते, जिसके वजह से ये करीगेंडम जारी करना पड़ता है आयोग SSC को, ताकि सब अवेयर हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि बोला है फॉर और रीड अस, इसमें बोला है किस लिए रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए, बोला है कि अ मैट्रिकुलेट एक सर्विस मैन, जो मैट्रिकुलेट है एक सर्विस मैन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, विच टर्म इंक्लूड एन एक सर्विस मैन हु हैज़ ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन में एक मेंशन था कि NCC वालों को 5 नंबर, सी सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर था। उसी तरह यहाँ पे एक और था जिसमें बोला था कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जिसके पास ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उन लोगों को मार्क्स पुट अप किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। ग्रेजुएट और द करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स हु हैज़ पुट इन लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब आपका जो भी सर्विस है 15 ईयर से कम का होना चाहिए, तभी जाके आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं और आपको एलिजिबल किया जा सकता है। अगर 15 ईयर से कम सर्विस है आपका तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल फॉर अप्लाई है द पोस्ट विल नॉट, बोला है कि यूनियन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए होंगे क्या इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ बोला है कि ये मैट्रिकुलेट एक सर्विस मैन, विच टर्म इंक्लूड एन एक सर्विस मैन हु हैज़ ऑब्टेन इन इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और द करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स हु हैज़ पुट इन नॉट लेस देन 15 ईयर। तो सेम चीज़ इसमें भी कंसिडर किया गया है, जिसे आप लोग को पढ़ना है। और उसके बाद बोला है कि 2 नंबर में कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन नोटिस एफर्सर्ड नोटिफिकेशन विल रिमेन अन अल्टरनेट। तो यहाँ पे आपको और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो दिया हुआ है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा इसके बारे में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन में देख लेते एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैं पैरा नंबर 7, जो कि इसमें बोला है डेफिनेशन ऑफ एक सर्विस मैन है, मतलब एक सर्विस मैन का इसमें मतलब क्या बताया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बोला है डेफिनेशन ऑफ एक सर्विस मैन एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, इतना नंबर मेमो नंबर दिया है। उसके बाद 14/4/1987 इज गिवन एज अंडर, इसके हिसाब से यहाँ पे बताया कि क्या क्या आपका होता है। एक सर्विस मैन में बोला है कि मीन्स पर्सन हु हैव सर्व इन एनी रैंक वेदर कम्बेटेंट एंड नॉन कम्बेटेंट इन रेगुलर आर्मी नेवी और एयरफोर्स में आप कंटिन्यू इसमें जॉब दे रहा है। उसके बाद बोला है पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि हु रिटायर फ्रॉम सच सर्विस आफ्टर अर्निंग हिज पेंशन, और उसके बाद हुज डिस्चार्ज बुक हैज़ बीन एंडोर्समेंट ऑफ एक सर्विस मैन, मतलब इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ ही लेना है तभी जाके आपको करना है। अगर मैं पढ़ने बैठा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी का भी मेंशन किया कि होल्ड रजिस्ट्रेटेड एक सर्विस मैन 15/11/86 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, इस नोट 1, नोट 2, नोट 3, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया एक्सप्लेनेशन NOC के बारे में, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट वगैरह जो भी OBC SST जो है इसमें, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तभी अप्लाई करेंगे।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सभी चीज़ मेंशन रहता है, पर काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको एकदम समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे इसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह का पल पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।